या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए बहुत छोटी छोटी सी कहानियां लेकर आए हैं, पर हमारा फोकस ये कहानियां ही नहीं है, फोकस होगा उन कहानियों में छिपे रहस्य, मिस्ट्रीज, उनका सार और विज्ञान से जुड़े उनके तार। और एक बात तो पक्की है कि इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद आप इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि जब पूरे मॉडर्न साइंस का बेस हमारे वेद, उपनिषद, शास्त्र आदि हैं, तो हमें वेस्ट का वैलिडेशन क्यों चाहिए होता है, और हमें वही क्यों पढ़ाया जाता है जो वो लोग यहां से सीख कर गए हैं या चुरा कर। अब जब बात सीखने की आ ही गई है, तो आइए सुनते हैं बसंत पंचमी और देवी सरस्वती से जुड़ी अननोन स्टोरीज एंड फैक्ट्स। बसंत पंचमी की कौन सी स्टोरी सुनी है आपने? देयर इज अ गुड चांस कि आपने कोई कहानी टाइप नहीं सुनी है। बस ये पता है हमें कि ऑन दिस डे देवी सरस्वती वॉज बॉर्न एंड दैट दिस डे मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग सीजन। सो लेट्स हियर अ रिलेटिवली अनहर्ड स्टोरी एंड अ फैक्ट एसोसिएटेड विद इट। या तो ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि या फिर कोई देवी की इच्छा, कि जब हमने महाविद्या का पहला एपिसोड किया था तब उसमें हमने एक कहानी बताई थी जिसमें देवी सती महादेव शिव से क्रोधित हो जाती है और फिर वो अपने पिता दक्ष के यज्ञ में चली जाती है। वहाँ पर हमने कहानी को उतना ही रखा था और आज हम उस कहानी का आगे का भाग सुना रहे हैं, पर वो कॉन्टेक्स्ट अलग था और ये कॉन्टेक्स्ट कम्प्लीटली अलग है। देवी सती बिन बुलाए ही अपने पिता दक्ष के यज्ञ में चली गई। बहुत अपमान हुआ और उन्होंने दुखी होकर अपने देह का त्याग कर दिया। महादेव शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को उस यज्ञ में भेजा। पूरा यज्ञ तहस नहस हो गया। पर महादेव शिव का मन शांत नहीं हुआ। महादेव इटर्नल ध्यान में चले गए और इस तरफ ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया कि यदि कोई उसे मार पाए तो वो केवल शिवपुत्र होगा। असुरों को, राक्षसों को टीवी सीरियल्स में बहुत बुद्धू दिखाते हैं, हर समय वे हा हा करके हंसते रहते हैं, मूर्ख। पर देखिए ताड़कासुर कितना तेज था। उसे पता था कि महादेव शिव तो अब ध्यान में लीन है और देवी सती अब है नहीं। तो जब महादेव शिव की पत्नी ही नहीं है तो उनका बेटा कहां से आएगा? अब उसने मचाया अटर डिस्ट्रक्शन। देव, मनुष्य, स्वर्ग, धरती, सभी कुछ उसने तहस नहस कर दिया। सभी को उसने तंग करके रख दिया। देवताओं ने देवी से प्रार्थना करी तो वो आई पार्वती के रूप में। अब महादेव तो ध्यानमग्न थे, क्या करें? देवी ने घोर तपस्या करी, इंटेंस तपस्या, पर महादेव तो महादेव है, उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। तब भगवान विष्णु ने कहा कि अब एक ही सल्यूशन है, मन्मथ, जिन्हें कामदेव भी कहते हैं। कामदेव ने अपने पांच बाण महादेव शिव पर चलाए। शिव जी का ध्यान भंग हो गया। महादेव ने जब अपनी आंख खोली तो सामने मन्मथ को हाथ में धनुष लिए खड़ा देखा। महादेव ने उसी समय अपने तीसरे नेत्र से मन्मथ को, कामदेव को भस्म करके रख दिया। मत्स्य पुराण आदि ग्रंथों में अब इसी दिन को बसंत पंचमी के नाम से मनाया जाता है। बट दिस इज अ सैड एंडिंग, राइट? नो, जैसा कि हमने पहले कहा था, कहानियों में कहानी से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसका सार है, उसका रहस्य है। इसी दिन मन्मथ
यानी कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ पृथ्वी पर आए थे और अपने मित्र वसंत की सहायता से उन्होंने प्रेम और काम यानी लव और लस्ट के इस ऋतु में, इस सीजन में महादेव को बाण से जगा, उन्हें माता पार्वती के प्रति आकर्षित कर दिया था। पर जब मन्मथ की पत्नी देवी रति ने ये देखा कि उनके पति को महादेव ने जलाकर भस्म कर दिया है, देवी रति ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक कठोर साधना करी। कहा जाता है कि इस तपस्या में, इस साधना में देवी रति ने कामदेव की भस्म में कई रंगों को मिलाकर तपस्या करी और फिर 40 दिन बाद महादेव ने देवी रति को दर्शन दिए और कहा कि मन्मथ का शरीर तो अब वापस नहीं आएगा, परंतु ये कामदेव बन इस वायु में, इस वायुमंडल में जीवित रहेंगे और जब भगवान विष्णु द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब उन्हीं के पुत्र बन कामदेव प्रद्युम्न के रूप में पुनः शरीर धारण करेंगे। महादेव शिव ने एक और वरदान दिया कि जिस दिन मन्मथ भस्म हुए थे उस दिन से देवी रति और कामदेव की पूजा करी जाएगी और जो 40 दिन देवी रति ने कठोर तपस्या करी थी वो दिन काम रति महोत्सव की तरह मनाए जाएंगे। और अब ये भी माना जाता है कि 40th डे 40वें दिन यानी तब जब महादेव ने देवी रति को दर्शन दिए थे वो दिन रंगों का त्यौहार होली था और इसी कारण आज भी भारत के कई शहरों में होली का उत्सव बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है। और बसंत उत्सव की, बसंत पंचमी की एक अनसुनी कहानी यही है। अब इस कथा का काफी पोर्शन तो आपने सुना था, पर अब जो कहानियां आएंगी वो ना केवल अनहर्ड एंड अननोन है बट दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, डीप एंड हाईली साइंटिफिक। ब्रह्मदेव को जब सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया तो सबसे पहले उन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और जब ब्रह्मा जी ने सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लिया तब उन्होंने पुनः ध्यान लगा सृष्टि की रचना आरंभ करी। पर रचना तो हुई नहीं, उन्होंने फिर से ध्यान लगाया पर फिर वही रिजल्ट। तब उन्हें इस बात का पता लगा कि सृष्टि के लिए, क्रिएशन के लिए शब्द होना आवश्यक है और साउंड के वाइब्रेशन से ही क्रिएशन हो पाएगी। इसी कारण वैदिक मंत्रों के अर्थ से ज्यादा आवश्यक है उनका सही उच्चारण और लय, यानी उन वैदिक मंत्रों को और उनकी शक्ति को अपने अंदर अनुभव करना। इन मंत्रों के मीनिंग को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर छंदों में गुथे हुए इन मंत्रों को एक लय में बोलने से ही, यानी रिदमिकल मोशन में बोलने से ही क्रिएशन होगी। और तब ब्रह्मदेव ने अपनी वाक शक्ति से वेदों को अक्षर और शब्द देकर सृष्टि की रचना करी। ये वाक शक्ति क्या है, आइए इसके छोटे से बट अमेजिंग रहस्य को समझते हैं। वाक यानी वाणी, वाणी को हम साउंड या वॉइस ही मानते हैं, पर हमारे वैदिक ऋषि आज के मॉडर्न साइंस से कहीं आगे थे। शतपथ ब्राह्मण और ऋग्वेद में भी वाक यानी वाणी के फ्लो को बहुत डिटेल में बताया है। हमारे मुख से कुछ भी शब्द निकलने से पहले हमारे सबकॉन्शियस में एक इच्छा उत्पन्न होती है। ये इच्छा एनर्जी का ही एक फॉर्म है और इसीलिए ये भी एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है एंड दैट इज व्हाई दिस वाइब्रेशन
इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वाक, वाणी। हमारे सबकॉन्शियस में जो बोलने की इच्छा हुई वो गति पकड़कर मोशन में आकर हमारे मन से मिलती है और ये वाणी का एक और फॉर्म है और स्टेज भी। फिर यही वाणी मोशन के साथ हमारी बुद्धि से मिलती है जिसे हम फाइनली वायु की शक्ति के साथ बाहर डिस्पर्स करते हैं। एंड दिस साउंड दैट वी क्रिएट इज द वन वी कैन एक्चुअली हियर। इसे फिर से समझते हैं मोशन की स्टेजेस और उनके नाम के साथ। हमारे मूलाधार में परा नाम की एक वाक शक्ति हमेशा रहती है। ये वही शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में भी रहती है, पर ये अव्यक्त है, फॉर्मलेस है। इसे शांता शक्ति भी कहते हैं। जब हम इच्छा करते हैं तो ये इच्छा शक्ति बनकर मूलाधार से मणिपुर चक्र की ओर गति लेती है, यानी चलती है। ये अब भी अव्यक्त है पर इसमें वाइब्रेशन ज्यादा है, इसे पश्यंती कहते हैं। वाक मणिपुर चक्र में हमारे मन से मिल आगे बढ़ते हुए अनाहत चक्र में पहुंचती है। यहां ये बुद्धि से मिलती है और यहीं इसे मध्यमा कहते हैं। ये ज्ञान शक्ति लिए होती है। यही ज्ञान शक्ति फाइनली हमारे गले से होते हुए मुख से बाहर बिखर जाती है। इसे क्रिया शक्ति कहते हैं। इसका नाम है वैखरी। ये वो शब्द है जिन्हें हम सुन पाते हैं। पर इन सभी फैक्ट्स का करना क्या है? समझने वाली बात यह है कि हमारे थॉट्स की भी एक भाषा होती है, एक वाणी होती है। ये भी वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, एक पावरफुल एनर्जी क्रिएट करते हैं। यानी जो हम सोचेंगे वो हमारे अंदर वैसी ही एनर्जी क्रिएट करेगा। इसीलिए हम कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, थिंक पॉजिटिव टू रिमेन पॉजिटिव। ये जो वाक शक्ति है, ये जो ब्रह्मा के शब्द ब्रह्म की शक्ति है, ये जो सृष्टि के निर्माण की शक्ति है, यही तो सरस्वती है। श्री धातु से बना शब्द सरस्वती। श्री का अर्थ है गति और वती का अर्थ है जो धारण करती है वो शक्ति। यानी इस कांस्टेंट क्रिएशन की जो ब्रह्म शक्ति है वही सरस्वती है, जो वाक शक्ति से अक्षरों के थ्रू स्वयं का ज्ञान कराए, वही सरस्वती है। नाट्य शास्त्र की एक बहुत छोटी सी पर रोचक कथा है कि एक बार ब्रह्मदेव और अन्य सभी देवता विश्वकर्मा के बनाए हुए नाट्य मंडप यानी प्ले हाउस यानी थिएटर को देखने पहुंचे, पर वहां पर जितने भी कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, वे किसी कारण डरे हुए थे। उनके डर का रीजन था आसुरी शक्तियों के द्वारा विघ्न। ब्रह्मदेव ने तब देवी सरस्वती को बुलाकर सभी कलाकारों की रक्षा का जिम्मा सौंपा। पर कैसे? उन्हें खुद को नायिका यानी हीरोइन बनाकर। ये कहानी देवी सरस्वती के बारे में बहुत कुछ कहती है। सरस्वती देवी ज्ञान की रक्षा के लिए महासरस्वती भी बन जाती है। दुर्गा सप्तशती में महासरस्वती ने ही शुंभ निशुंभ के अहंकार का वध किया था। ज्ञान का शत्रु है अहंकार। पुराणों के अनुसार देवी सरस्वती की वाक शक्ति से ही ब्रह्मदेव ने जिस दिन ब्रह्मांड के निर्माण का आरंभ किया वही बसंत पंचमी बना। सृष्टि की क्रिएशन पावर देवी सरस्वती की कृपा सदा आप पर बनी रहे, इसी आशा के साथ धन्यवाद। अदिसी वे स्टोरीज बिगिन।